हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, ये एक ऐसा डर है जो लोगों के या फिर इन्वेस्टर्स के मन में बैठ जाता है कि उनसे कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, स्पेशली ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में आपके अगल बगल के सारे लोग बात कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड दिस इज़ वेयर फोमो अराइजेस। फोमो ये जो टर्म है, इसका ओरिजिनली इस्तेमाल तभी किया जाता है जब कोई इंसान को ऐसा लगना शुरू होता है कि वो हर समय पे कोई ना कोई एक्सपीरियंस या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय को मिस कर रहा है, जैसे कि पार्टीज विद फ्रेंड, नाइट आउट विद फ्रेंड्स, आउटसाइड डिनर्स एक्सेट्रा। यानी फोमो में जीने वाले हर एक इंसान को ऐसा लगता है कि वो हर समय पे कुछ ना कुछ मिस कर रहा है। इट मीन्स दैट पर्सन इज नेवर सेटिस्फाइड। मगर इन्वेस्टिंग की दुनिया में फोमो शब्द का इस्तेमाल तभी होता है जब जो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के इमोशंस है, जैसे इम्पेशेंस और जेलेसी, ये उस इंडिविजुअल इन्वेस्टर को मोटिवेट करते हैं कि वो जबरदस्ती जो ट्रेंड वाली इन्वेस्टमेंट है उसमें अपने पैसे लगाए ताकि कहीं जो पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है वो उससे मिस ना हो जाए। और ये जो सारा गेम है ये फोमो का है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि इन्वेस्टर को ये लगता है कि हर बार वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा है। मगर 99% ऑफ टाइम्स फोमो के बेस्ड पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं या जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन फोमो होते हैं वो मोस्टली रॉन्ग ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉफिट कमाने के चक्कर में घुस जाते हो और प्रॉफिट तो छोड़ो बट एट द एंड यू सिट ऑन अ वेरी हैवी लॉस। क्योंकि जब फोमो वाली सिचुएशन अराइज हो जाती है, यानी कि आपके आजू बाजू जितने भी लोग हैं वो सारे लोग एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तब ऑलरेडी उस पर्टिकुलर स्टॉक की जो प्राइस है वो बढ़ चुकी होती है। और फोमो आपको मोटिवेट करता है कि आप उस स्टॉक को तभी खरीदे जब उसकी प्राइस ऑलरेडी हाई है। यूजुअली हम सब स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं, मतलब मैं तो ये सोच के आया हूँ और 99% जो लोग हैं वो भी यही सोच कर आते हैं कि हम कम से कम प्राइस में स्टॉक को खरीदेंगे और हाई से हाई प्राइस में उसे बेचेंगे, यानी कि कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे। तो जब सोच कर आए हो कि कम प्राइसेस पे खरीदोगे तो जब प्राइसेस हाई पे होती है तो फोमो के चक्कर में घुस के बेवजह क्यों ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो कि जो स्टॉक ऑलरेडी अपने हाई पे, क्योंकि ऐसे स्टॉक मोस्टली फ्यूचर में जाके क्रैश होते ही है, क्योंकि सडन इंक्रीज अगर आ चुकी है तो वो टेम्पररी होती है, स्लो इंक्रीज होगी तो वो परमानेंट होती है। अब हर एक केस में ऐसा नहीं होता है, ऐसे कितने स्टॉक्स है जिसमें सडन इंक्रीज आई लेकिन फिर वो स्टॉक कंटिन्यू ग्रो होता रहा, लेकिन ये केसेस बहुत कम है। मोस्टली अगर सडन इंक्रीज आती है तो क्रैश होने के चांसेस भी उतने ज्यादा होते हैं। इसलिए हर बार इस फोमो से, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के जो ट्रैप है उससे संभल कर रहिए, बच कर रहिए, बिकॉज एट द एंड द गेम इज ऑफ बिग बुल्स ऑफ द मार्केट। सो बी अ रेगुलर इन्वेस्टर, बी अ कंसिस्टेंट इन्वेस्टर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो स्पेशली अगर आप बिगिनर हो, यानी स्टॉक मार्केट में न्यू इन्वेस्टर हो, तो ट्रेडिंग के चक्कर में ना पड़े, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने, सिस्टमैटिक इन्वेस्टर, कंसिस्टेंट इन्वेस्टर बने, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी सिटिंग ऑन वेरी हैवी प्रॉफिट्स। तो अब तक हमने ये देख लिया कि स्टॉक मार्केट में एक्जैक्टली ये फोमो होता क्या है, तो अब ये देख लेते हैं कि कौन से है वो 5 वेज जिसकी वजह से आप फोमो के ट्रैप में अटक जाते हो। पहला है ट्रेडिंग कम्युनिटीज। जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वाले पीपल होते हैं, स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और दूसरे वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग वाले होते हैं वो ऐसी न्यूज़ जबरदस्ती फैलाते हैं जिसकी वजह से जो कॉमन पब्लिक है उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करे, ताकि जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उनका बहुत ही ज्यादा फायदा हो सके। अब यहाँ पे देखो, मैं इंट्राडे वालों से कोई भी ऐसा अपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट नॉर्मल फैक्ट है, क्योंकि बेसिकली ऐसा ही होता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स यही चाहते हैं कि एक दिन में उनके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स बन पाए। दूसरा पॉइंट है न्यूज़। जब आप मार्केट में कोई भी न्यूज़ सुनते हो तो फटाक से उस न्यूज़ पे सुन के उस न्यूज़ को रिएक्ट करके फटाक से एक स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, पहले जान ले, समझ ले कि वो न्यूज़ एग्जैक्टली है क्या। जैसे कि अगर कल को किसने बोल दिया कि टाटा पावर एक कोई कंपनी को एक्वायर कर रहा है, तो फटाक से उस कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट कर दो, पहले देख लो कि टाटा वो कंपनी को अगर एक्वायर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या इससे हमें, यानी कि इन्वेस्टर्स को फायदा होगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें जान ले और फिर इन्वेस्ट करें। तीसरा पॉइंट है मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो अगर आप कभी फोमो के चक्कर में आके कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हो तो ये उम्मीद में ना रहे कि वो स्टॉक और बढ़ेगा। अगर आप ऑलरेडी फोमो के चक्कर में एक स्टॉक को परचेस किया और उस स्टॉक की प्राइस ऑलरेडी हाई है, तो जैसे ही वो प्राइस थोड़ी सी और बढ़ती है तो एग्जिट ले सकते हो, इस उम्मीद में ना रहे कि ये और बढ़ेगा, क्योंकि अगर और बढ़ने के चक्कर में रहोगे और खुदा ना खास्ता अगर वो स्टॉक क्रैश हो गया, सो यू विल बी सिटिंग ऑन अ वेरी हैवी लॉस। चौथा है मीम स्टॉक्स। अभी जैसे क्रिप्टो वर्ल्ड रहता है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत सारे मीम कॉइन्स हैं, जिसकी वजह से जो उनकी पॉपुलरिटी है वो पूरे कॉइन्स उस पर बेस्ड होते हैं और उनके हिसाब से उनमें कैश फ्लोज होते हैं। तो उस तरह स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे मीम स्टॉक्स होते हैं, यानी कोई स्टॉक पर अगर बहुत सारे मीम्स बनना शुरू हो गए, जैसे कि थोड़े दिन पहले ITC लिमिटेड पे बहुत ज्यादा मीम्स बन रहे थे, क्योंकि ITC लिमिटेड ये बहुत टाइम तक स्टेबल था, ना गिर रहा था ना बढ़ रहा था, कुछ इसमें मूवमेंट ही नहीं थी, तो इस पे बहुत सारे मीम्स बनना शुरू हुए थे, लेकिन उसके बाद इसमें स्लो ग्रोथ आना शुरू हुई। पर अभी ITC देखो एक ट्रस्टेड कंपनी है, 100 सालों
100 साल जूनी कंपनी है, बहुत लंबे समय से अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स देते आ रही है, तो ऐसे केस में आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन ऐसे बहुत से नए स्टॉक्स होते हैं जिनके कोई फंडामेंटल्स नहीं होते, बस मीम के बेसिस पे बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, फिर थोड़े दिनों में क्रैश हो जाते हैं और मार्केट से गायब भी हो जाते हैं। तो मीम स्टॉक से बच के रहिए। पांचवा और आखिरी पॉइंट है टिप्स। टिप्स जैसे कि अभी मैं विवेक बिंद्रा जी को सुनता हूँ, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने क्या बोला कि अगर आप शेयर मार्केट में टिप्स की बात कर रहे हो तो टिप्स यहाँ नहीं मिलती, टिप मिलती है रेस्टोरेंट में। अगर आपको टिप देना है या टिप लेना है तो रेस्टोरेंट में जाइए, बिकॉज स्टॉक मार्केट नेवर गिव्स यू टिप। टिप वही लोग देते हैं जो खुद का फायदा कराना चाहते हैं। जैसे कि हमने स्कैम 1992 में देखा कि हर्षद मेहता ने ACC सीमेंट्स को 200 से लेकर 9000 तक लेके गए थे। तो द एंटायर गेम इज ऑफ टिप्स, तो ऐसी टिप्स से बच के रहिए। तो अभी हम लोग ने 5 वेज ये तो देख लिए कि किस तरह आप फोमो के ट्रैप में अटकते हो। तो आप फोमो में अगर अटक चुके हो, सो नाउ वी विल सी 5 वेज टू ओवरकम फोमो, कि किस तरह आप फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो डर है उसको मिटा सकते हो। पहला पॉइंट, डू रिसर्च एंड एनालिसिस। दोस्तों अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देखोगे तो मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सो डू आफ्टर योर प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस, क्योंकि खुद की रिसर्च और खुद के फंडामेंटल स्टडी अगर आप करोगे और फिर इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। दूसरा पॉइंट है स्टिक टू अ स्ट्रैटेजी। आप अगर मार्केट में आ रहे हो तो एक स्ट्रैटेजी लेके आओ कि मैं ऐसे समय पे इतना इतना इन्वेस्ट करूंगा, इतना ही करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा, इससे कम नहीं करूंगा, एक रेगुलर इन्वेस्टर बनूंगा। ऐसी एक अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेके आओगे तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तीसरा है बी रेडी टू लूज। अगर आप कभी फोमो के ट्रैप में अटक जाते हो और कोई स्टॉक को हाई प्राइसेस पे परचेस करने का जो डेयरिंग है वो करना चाहते हो, तो उसमें ऐसे ही पैसा लगाए जो कल को जीरो हो जाए तो आपको कोई भी दुख ना हो। अगर रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसा पैसा इन्वेस्ट करिए जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी यूज में नहीं है, और कल को वो जीरो हो जाता है तो भी आपको गम नहीं होगा। चौथा पॉइंट है वेट एंड हैव पेशेंस। अगर स्टॉक मार्केट में आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। अगर आप में पेशेंस है तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे इन्वेस्टर बन सकते हो, क्योंकि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कितने लंबे समय के लिए उस अमाउंट को स्टॉक मार्केट में रहने देते हो, बिकॉज इट विल गिव यू कंपाउंडिंग रिटर्न्स। क्योंकि जितना ज्यादा समय तक वो स्टॉक मार्केट में अमाउंट रहेगा उतना ज्यादा वो कंपाउंडिंग होगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। पांचवा पॉइंट है ट्रैक योर ट्रेड्स। अगर आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो फिर उस स्टॉक को कंप्लीटली भूल मत जाओ, उस स्टॉक पे डटे रहो, देखो कि उस स्टॉक का करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, मार्केट में क्या ट्रेंड्स है जिसकी वजह से उस स्टॉक को कुछ इफेक्ट होगा या फिर नहीं होगा, क्या है उस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट्स, इन सारी चीजों पर ध्यान रखो और फोमो के चक्कर में मत पड़ो। एक रेगुलर इन्वेस्टर बनो, कंसिस्टेंट इन्वेस्टर बनो, तभी ही लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स कर पाओगे। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कभी फोमो के चक्कर में पड़े हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना कि किस तरह फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो डर है उसमें से आप बाहर आए। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और मार्केट के ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए स्टॉक एंड क्रिप्टो। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।